alaikum ladies and gentlemen. Uh, today we will be taking the last lecture on the theme of pricing and strategies. If you last time we were talking about having covered the broad frameworks, the pricing set, and se and the pricing which should be kept in consideration while we are looking at price uh, for a product. Ab issue दो तीन हैं उसमें एक तो है कि जब हम प्राइस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं पहली दफ़ा तो वहाँ प्राइसिंग क्या होगी और फिर प्राइसिंग जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे और फिर किसी टाइम के ऊपर आपको कंपार्टिटर की वजह से अपनी प्राइस को ऊपर या नीचे करना पड़ता है तो दीज आर द दी एरियाज ऑफ कंसर्न लेकिन जो चीज़ें हम कह चुके हैं जिसके अंदर कॉस्ट बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज ऑल दी अदर फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज वो बेस रहेगा लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली के कौन से कैटोगिकल एरियाज हैं जिसमें स्ट्रेटजीज uh, बनाना जरूरी है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बात कर चुके हैं लेकिन अब हम उसको प्रैक्टिकली पोजिशन uh, में लाने लगें नंबर टू वी विल बी ऑल्सो कंसिडरिंग एरियाज ऑफ रिसर्च और इस हवाले से क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर चलता है तो वी शुड बी एबल टू फाइंड के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ के रिसर्च अभी तक नहीं हुई ट्राइंग टू तो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में प्राइस सेट कैसे की जाती है उसके ऊपर अभी कोई ख़ास काम नहीं हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द टाइम वी आर टू फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर की चॉइसेस क्या हैं हमारी सारी रिसर्च जो है ज़्यादातर वहाँ फ़ोकस होती है तो वी विल ट्राई एंड

लेकिन रिपीटडली वो मुकाबला नहीं कर सकी विद अदर कंपनीज़ लाइक ईजी जेट एंड सम अदर चीप कंपनीज या चीप फ्रिल नो फ्रिल कंपनीज़ जो टिकट्स uh, बेचती हैं बहुत सस्ते प्राइस uh, के ऊपर और दे डू नॉट ऑफर एनी फैसिलिटी इट्स मोर लाइक जैसे हम अपनी बस में सफ़र करते हैं कि आप पहले आएँ तो सीट भी आपको मिल जाएगी खाना कोई नहीं देगा यू कॉन्ट कैरी लगेज ऑन इट यू विल जस्ट कैरी हैंड बैग सो एंड सो फोर्थ तो ये कंपनी उनके मुकाबले में कंपीट नहीं कर सकती थी सो इट हैड टू चेंज द स्ट्रेटजी और अपना बिजनेस मॉडल इन्होंने चेंज किया अब बिजनेस मॉडल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वी हैव कंसीडर्ड और उसमें मैंने दो तीन एग्जाम्पल दी थी जारा टेक्सटाइल की एग्जाम्पल भी दी साउथ वेस्ट एयरलाइन की भी दी नाउ आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल To demonstrate what is the new trend. Up the last class mein we were talking about the pricing trends that have come about because jo area hai comparing ka wo bada simplify simplified. destination, ko and if I want to take a, a airline, so it will not take me much time. All I have to do is to go to a website which compares various prices and I can actually identify. चीपेस्ट फेयर मुझे कहाँ मिलता है अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था बिजनेस मॉडल्स के अंदर इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें बिकॉज अगर हर एक को पता हो कि सीट की प्राइस क्या है तो आई मीन इट्स बिकम्स वेरी सिंपल फॉर द कंज्यूमर टू चूज द लोएस्ट कॉस्ट एयरलाइन है तो रेयान एयर ने यह देखते हुए कि दे कुड नॉट कंपीट अगेंस्ट दीज लो प्राइस एयरलाइंस तो उन्होंने अपना मॉडल चेंज करके दे ऑल्सो वेंट लो कॉस्ट पहले डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे अब लो कॉस्ट कर दिया लेकिन लो कॉस्ट करने में उन्होंने जो स्ट्रेटी अप्लाई की वो ये है कि उनका जो टिकट है सीट का वो तकरीबन फ्री कर दिया उन्होंने मतलब है कि अगर आप सीट खरीदें तो एक या दो पाउंड से ज़्यादा वो सीट नहीं है पर्टिकुलरली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन लेट्स से लंडन एंड यू आर गोइंग टू फ्रैंकफर्ट इन ऑस्ट्रेलिया और रोम इन इटली तो वो दो या तीन पाउंड लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्रिटिकल है आ, इसी चीज को कि जो सेंसिटिव हैं प्राइस के उनको कंज्यूमर को आ, ऐसी चीज में उलझा दिया जाए कि उनके लिए कंपैरिजन मुश्किल हो जाए अब कंपैरिजन मुश्किल होने का तरीका यह है और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सोट यू कैन अंडरस्टैंड कि पी का एक टिकट है वो लेट्स से रुपीज़ है टू रिटर्न टिकट फ्रॉम लाहौर टू कराची अब उस टिकट के अंदर कंज्यूमर्स को नहीं मालूम एग्जैक्टली exactly के जो बैगेज हैंडलिंग है उसकी क्या कीमत पड़ती है या अगर वो एक बैग लेकर चढ़ते हैं क्या मैं लगेज बुकिंग करते हैं तो उस एक लगेज का कॉस्ट क्या है जो खाना सर्व होगा उसकी क्या प्राइस होगी सीट uh, के अंदर जो अदर अरेंजमेंट्स उनको मिलते हैं उनकी इंडिविजुअल प्राइस क्या है तो उन्होंने वो सारी की सारी प्राइस जो है वो एक ही सिस्टम में डाल दी अब उस बेसिस के ऊपर एयरलाइन को कंपेयर करना एयर ब्लू को या शाहीन एयरवेज को विद पी आई इट्स वेरी सिंपल बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग द सेम हावेवर अगर आप ये देखें कि एक एयरलाइन कहती है कि सीट तो आपको हम दे रहे हैं पाँच सौ की लेकिन अगर आप एक बैग लेकर चढ़ेंगे तो बैग के दो हज़ार होंगे पर बैग के तो आप चार बैग्स ले जाएं तो आपको आठ हज़ार देने पड़ेंगे खाना आपको मिलेगा तो आपको Uh, अगर आप ड्रिंक लेंगे तो आपको इतनी की मिलेगी अगर आप, आप पूरा लंच खाएंगे तो इतने का मिलेगा अगर आप मैगजीन लेंगे तो इतना का मिलेगा एंड सो एंड सो फोर्थ तो उन्होंने वो अनबंडल करके इस तरह से कॉस्ट बढ़ाई की है कि दे हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट उसमें दे आर द मोस्ट लीडिंग और इस वक्त उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 18 फीसद है जबकि साउथ वेस्ट एयरलाइन जिसने ये मॉडल शुरू किया था लो प्राइस एयरलाइन सिस्टम विद नो फ्रिल्स फ्रिल्स का मतलब है कोई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं की गई यानी कि कोई लवाजमत नहीं डाले गए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका बैगेज भी चेक नहीं होता बिकॉज उन्होंने हर चीज़ को लो कॉस्ट पे रखा हुआ था चूँकि उनका कोई लगेज uh, हैंडलिंग का कोई नहीं था तो इसलिए उसकी कोई प्राइस उनको या कॉस्ट नहीं पड़ती थी टिकटिंग कहीं नहीं होती थी सीट एलोकेशन का इशू कोई नहीं था तो so, इसलिए उनकी कॉस्ट चूंकि कम थी तो वो अपनी टिकट uh, को प्राइस भी कम कर सकते हैं लेकिन रैया एयर ने उसी को रैन एयर ने उसी को लेके जो बिजनेस मॉडल दिया वो ये है कि आपकी सीट की प्राइस कुछ भी नहीं लेकिन जो उसके साथ छोटी छोटी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनकी अलग अलग कीमत लगा दी सो so दैट कंपैरिजन बिल्कुल ही मुश्किल हो गया बिटवीन रैन एयरवेज एंड ईजी चैट और अदर नॉन फ्रेल एयरवेज तो उन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल करके इट इज़ बिकम क्वाइट सक्सेसफुल एंड उसके पीछे जो उसका बेसिक मॉडल है वो तो अब इस वक्त बताने का टाइम नहीं है लेकिन दिखाने की ज़रूरत यह है कि जो बेस चीज़ थी उसकी कीमत तकरीब निल हो गई है और यही उनका टारगेट है कि वो हम कीमत ज़ीरो कर देंगे लेकिन बाकी चीज़ें जो एक एयरलाइन के अंदर एक कस्टमर की जरूरत में आती हैं उनको ऐसे प्राइस करेंगे उससे उनके प्रॉफिट निकलते हैं सो दिस इज नाउ आई एम इज द न्यू इनमेंट ऑफ प्राइसिंग दिस वी 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 विल विल बी टेक ऑन टॉक अबाउट अदर एरियाज ऑफ एंड लुक एट दीज थिंग्स बट मैंने यह भी कहा था कि जब प्राइस सेट की जाती है तो इंट्रोडक्टरी प्राइस एक चीज होती है उस ऊपर मैंने आपको बताया था स्किमिंग ऑफ द मार्केट है या पेनिट्रेशन है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट ये तो एक ब्रॉड एरियाज के अंदर ये बात की गई लेकिन प्राइसेस चेंज करनी पड़ती हैं और कोई ये ज्यूम करें कि प्राइस चेंज नहीं करनी बिकॉज हमारे कॉस्ट ऐसे चल रहे हैं और हम उन कॉस्ट के बगैर काम नहीं कर सकते तो मैंने ये आपको बताया था कि दिस इज अनोमलिस्टिक एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अवॉइड टू मच फोकस ऑन कॉस्ट एक्चुअली डैमेज द कंपनी और मैंने इसमें आपको वैंग लेबोरेटरीज का एग्जाम्पल दिया था विच एक्चुअली शट डाउन बिकॉज दे कुड नॉट शिफ्ट यर माइंड सेट फ्रॉम दी लॉजिक ऑफ़ प्राइसिंग विच रिक्वायर्स कस्टमर नॉलेज कंपेटिटर नॉलेज फ्यूचर ट्रेंड जो आ रहे हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए सो दे सो फोकस्ड ऑन है लेकिन अब हम सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का और देखते हैं कि वहाँ क्या हो सकता है और उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि प्राइस चेंज होती हैं और कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं लेट से अगर हम इंट्रोडक्टरी स्टेज में है और हमने स्किमिंग स्ट्रेटजी रखी हुई है सो वी इंट्रोड्यूस ही अर्ली ग्रोथ आता है तो उसमें लॉजिक कहता है कि कंपेटिटर्स मूव करेंगे सीइंग द पोटेंशियल इन द मार्केट एंड द प्रॉफिट मार्जिन दैट आर अवेलेबल जो ही वो आएगा तो आप कंपनी की लॉजिक है आइदर ऑफ द टू थिंग्स कट द प्राइस और इनोवेट नाउ नॉर्मली विद सच स्पीड वेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स आर गोइंग स्मॉल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट

लेकिन जब ग्रोथ आ जाती है तो उस वक्त लॉजिक कहता है कि आप मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करें क्योंकि जो हमने मैट्रिक्स देखा था बीसीजी मैट्रिक्स उसमें हम देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं जो कि हाई ग्रोथ में होते हैं उनके लिए हाई मार्केट शेयर लॉजिकल होता है और फिर जब पूरी इंडस्ट्री स्लो डाउन करती है मेचोरिटी की तरफ जाती है डिक्लाइन की तरफ तो यही जो पोर्टफोलियोज हैं ये कैश काओ की तरफ आ जाते हैं सो और उसकी वजह यह है कि मार्केट शेयर ज़्यादा होता है लेकिन ग्रोथ कम हो चुकी होती है विच इज़ वॉट हैपन्स अलॉन्ग दी लाइफ साइकिल और इसमें यू विल है लेक्चर इन विच वी हैड ट्राई टू इंटरग्रेट द बी सी जी मैट्रिक्स द पोर्टफोलियो एज वेल एज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टू सी वट गोज ऑन इन दैट एरिया तो अब लॉजिक में प्राइस बिकम्स अ क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि जब इंट्रोडक्ट्री स्टेज होती है उस वक्त लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है एडवर्टाइजिंग होती है कॉस्ट हाई होती है तो यू नॉर्मली ट्रेन टू स्किम द मार्केट बट एज द ग्रोथ स्टेज कम्स इन कंपटीशन मूव्स इन शेयर इज रिक्वायर्ड इट नेसेसिटेट दैट यू कट द प्राइस नाउ यू कट द प्राइस बिकॉज यू वॉन्ट टू कैप्चर मार्केट शेयर सेम इज द केस वेन यू मूव टू द मेचोरिटी साइकिल वहां प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं जब प्रोडक्ट्स अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाएं, और लोगों के पास स्वाए एक चीज़ के कि वो कंपेयर करते हैं प्राइस को तो उस वक़्त प्राइस ही गिरानी पड़ती है लेकिन उस वक़्त एडवांटेज हाई मार्केट शेयर कंपनीज इज दिस दैट देयर कॉस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्कोप वो uh, कम हो चुकी होती हैं कॉस्ट डिफरे हो चुकी होती हैं तो उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेनटेन करना मुश्किल नहीं होता लेकिन अब सिर्फ दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि एक बड़ी क्रिटिकल बहस है जो चल भी रही है और इसमें दोनों तरफ के लोग हैं वो कहते हैं मेचोरिटी में आओ तो आपको इनोवेट करना चाहिए पर्टिकुलरली इन कंपटीशन विद कंपनीज विच कॉस्ट कट यानी कि जो कॉस्ट कटिंग कर रही होती हैं उनके मुकाबले में आप डिफ्रेंशिएट करें दूसरी तरफ एक ग्रुप है वो कहता है कि इट विल बी मोर कॉस्टली टू इनोवेट बिकॉज मच्योर साइकिल के अंदर लोगों के पास प्रोडक्ट्स आ चुके होते हैं दे आर ऑलरेडी वेरी क्लियर ऑफ द मार्केट्स दे आर नो एग्जैक्टली वॉट्स गोइंग ऑन तो उनको डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स जो हैं जब तक वो जस्ट दी आ, जिसको हम कहते हैं ना नोटिसबल डिफरेंस से ऊपर अगर नहीं होगा तो वो उनको उसमें कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आता ये इशू है कि फिर इनोवेशन हो मच्योर मार्केट्स के अंदर या प्राइस कट की जाए आ, दिस डिस्कशन हैज़ बिन गोइंग ऑन बिकॉज कुछ प्रोपोनन्ट्स ये कहते हैं कि प्राइस कट करना इज़ बेटर बिकॉज जो दूसरी कंपनीज हैं वो भी प्राइस कट कर रही होती हैं क्योंकि उनकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी मार्केट शेयर्स की वजह से दे कैन uh, उन्होंने जो इंट्रोड्यूसरिंग कॉस्ट होती हैं जो शुरू की कॉस्ट होती हैं जिसको अंदर डिप्रीशन वगैरह सारा शामिल कर लिया होता है वो रिकवर हो चुकी होती हैं तो इस वक्त दे आर ईजी टू कट कॉस्ट विच दी कंपनी लाइक आई एम डिस्कसिंग यू अ कंपनी दैट इज़ कमिंग इनटू दिस कंडीशन इसके हवाले से अब डिस्कशन जो है वो इंटरनेशनल प्रेस में खासी बढ़ गई है और उस का जो एग्जांपल लिया जा रहा है वो सैमसंग है उनका ये अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सैमसंग को अपनी प्राइस काटनी चाहिए या उनको इनोवेट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इशू uh, क्या बन गया है कि जो यू वाई क्या नाम है मोबाइल फ़ोन्स हैं या चाइना से जो मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं या इंडिया में भी आ चुके हैं और पाकिस्तान में भी अब वो काफ़ी uh, उसी किस्म के मोबाइल्स ऑफर uh, हो रहे हैं तो उनका ये है कि क्या सैमसंग के लिए लॉजिकल है कि वो बार बार इनोवेट करता चला जाए uh, क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो इनोवेट करे या वो कॉस्ट जो कट कर रहे हैं या जो प्राइस कट पे चल रहे हैं उनके मुकाबले में अपने मार्केट शेयर को रिटेन करने के लिए क्या सैमसंग को इनोवेट करना चाहिए प्रोडक्ट को अब इसके पीछे दो ही लॉजिक्स ऑपरेटिव हैं और ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका था सम टाइम बैक के जो कैपेबिलिटीज होती हैं दे आर द वंस अराउंड विच यू क्रिएट स्ट्रेटजीज एंड दे एक्चुअली ड्राइव स्ट्राटेजीज अब यही बात हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं एक ऐसी डिस्कशन में जिसके ऊपर अब काफ़ी एनालिस्ट जो हैं जो बिजनेस एनालिस्ट हैं वो इसी डिस्कशन uh, में इन्वॉल्व हैं कि सैमसंग का अब स्ट्रेटजी क्या होगी या क्या होनी चाहिए इन द सेंस कि क्या वो एप्पल की तरह कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने के काबिल है एंड रिपीटेडली बींग सक्सेसफुल इन दैट इनोवेशन और शुड दे अडेप्ट The logic of लॉजिक ऑफ दी कॉस्ट कटर्स और प्राइस कटर्स लाइक इन markets or और इन इंडियन मार्केट्स जो तकरीबन आप सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं तो क्या वो ये कर सके हैं या कर लेंगे और क्या उनके लिए लॉजिक होगा कि प्राइस काट अब उसके पीछे कंसिडरेशन एक ही आती है स्ट्रोंग वो ये है कि सैमसंग का ब्रांड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है मार्केट में और लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और लोगों के जहन में अब सैमसंग के हवाले से रेफरेंस पॉइंट क्या बन गया है प्राइस के लिए दीज आर अंसिडरेशमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ वोइंग टू है मार्केट एंड ऑल दल दार्केटिंग सिस्टम्स आर नाउ वॉचिंग दिस न्यू डिवेलपमेंट सो ये मैंने जो एग्जाम्पल दी कि मच्योर जब कंपनीज पोजिशन में आती हैं तो डू वी इनोवेट कैन वी कंटिन्यूसली इनोवेट कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं कि नहीं है एंड दैट विल बिकम दोकल पॉइंट फॉर द फ्यूचर यही बात प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चूंकि इन्वॉल्व है तो वहां हम ये कोशिश करते हैं टू लुक एट कि वॉट कुड बी द स्ट्रैटेजी लेट से वेन अ कंपनी इज और अ प्रोडक्ट इज इन द डिक्लाइन स्टेज अब अगर कंपनी का प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है तो वहाँ उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं इफ द कंपनी स्टिल वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस उसमें प्राइस अनबंडलिंग का एक लॉजिक है जो की जा सकती है इन द सेंस कि आप वैसे तो प्राइस कट नहीं करना चाह रहे लेकिन आप अनबंडल कर देते हैं कि अगर एक कंज्यूमर जो है वो किसी एक खास सर्विस को या प्रोडक्ट फ्यूचर को ना लेना चाहे तो उसका कंपनी पर असर नहीं होगा लेकिन प्राइस कम हो जाएगी क्योंकि जो बेस प्रोडक्ट है जो कि एक ख़ास वैल्यू क्रिएट कर रहा है कस्टमर के लिए तो उसकी कॉस्ट कम अज कम रिकवर हो जाएगी इसलिए प्राइस कटिंग की जाती है कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसी एरिया में वी और ऑल्सो अवेयर के डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं हम प्राइसिंग के अंदर उसके अपने लॉजिक्स हैं और डिफ्रेंशिएशन के अंदर पर्टिकुलरली लॉजिकल जो इशू आ जाता है uh, कि अगर हम डिफ्रेंशिएटेड प्राइसेस दें मिसाल के तौर पे uh, स्ट्रैटेजी में ये भी क्या नाम है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच कैन बी अप्लाईड थ्रू दी लाइफ साइकिल के प्राइसेस को एक ही टाइम के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट कर दें मिसाल के तौर पे दो सेगमेंट्स हैं एक सेगमेंट के लिए आप जो प्राइस है वो डिफरेंट रखें और उसी ग्रोथ पीरियड में या मच्योर पीरियड में आप दूसरे सेगमेंट के लिए प्राइसेस गिरा दें फॉर एग्जांपल वी नो दैट एयरलाइंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए प्राइसेस फर्क रखते हैं और नॉर्मल जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए डिफरेंट दी जाती हैं मकसद ये है कि जो सेगमेंट्स हैं उनकी जो पेइंग कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रख के आप प्राइस देते हैं और वो सेगमेंट जो है वो क्लियरली स्टेब्लिशबल होते हैं इसी तरह से आप डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन प्राइस डिफरेंटली बट इन द सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंडीशन मिसाल के तौर पे शर्ट्स हैं अगर शर्ट का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसकी प्राइस चेंज कर देंगे डिजाइन अगर डिफरेंट है तो उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी बट द लॉजिक इज दैट द शर्ट रिमेंस द सेम इफ दैट काइंड ऑफ लॉजिक मूव्स इन सो वी हैव अ पॉसिबिलिटी वेयर वी कैन डिफरेंशिएट द प्राइसेस डिफरेंशिएट द प्राइसेस फॉर डिफरेंट लॉजिक्स विद इन द सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब बात ये हो रही है कि एक ही टाइम फ्रेम में एक है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे प्राइसेस चेंज करेंगी एक है कि आप डिफ्रेंशिएटेड प्राइसेस दे रहे हैं विद इन दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सो दीज आर टू कंडीशन बट स्ट्रेटेजिकली दे आर प्रैक्टिकल इसी तरह से जैसे मैंने कहा आपका अगर सीटिंग अरेंजमेंट है या लोकेशन का इशू है तो आप लोकेशन के ऊपर भी प्राइसिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में जो सिनेमा हॉल्स थे उनका एक थर्ड क्लास कहलाता था सेकंड क्लास कहलाता था फर्स्ट क्लास कहलाती थी तो उन तीनों क्लासेस की डिपेंडिंग ऑन के वो स्क्रीन से कितने दूर बैठे हुए हैं तो प्राइस डिफ्रेंशिएट कर दी जाती थी बट अब आजकल के ज़माने में जो सेनाप्लेक्स चल पड़े हैं तो वहाँ एक ही प्राइस लॉजिकली ऑपरेट करती है कोई फ़र्क नहीं है बट आप रेलवे लाइन में जाएँ आप एयरलाइंस में हैं इकोनॉमी क्लास है बिजनेस क्लास है फर्स्ट क्लास है, है उनकी प्राइसेस डिफरेंट है बिकॉज उनके साथ डिफरेंट क्या नाम है क्या नाम है एट्रीब्यूट्स हैं ये डिफरेंट चीज़ है लेकिन एक ही एरिया में पर्टिकुलरली जो मैंने सिनेमा की एग्जाम्पल दी या अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच का ग्राउंड है उसके मुख्तफ पवेलियंस होते हैं या मुख्तलिफ उसके इंक्लोजर्स हैं उनकी सेपरेट प्राइसिंग होती है तो वो लोकेशन प्राइसेस आर डिफरेंट देन द प्राइसेस दैट आर चेंज बिकॉज ऑफ दी सर्विस दैट इज़ प्रोवाइडेड विल बी डिफरेंट ये दोनों एक ही तरह की चीज़ नहीं है ये एक ही कंडीशन के अंदर जहाज में फर्स्ट क्लास है सेकेंड क्लास है लेकिन एक सिनेमा हॉल में आप सिर्फ एक फिल्म देख रहे हैं और आपके सामने एक स्क्रीन है उससे आप कितना दूर बैठते हैं किसी ज़माने में वो प्राइसिंग की जाती थी जो आजकल हम देखते हैं ग्राउंड्स जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं उनमें कि अगर आप एक ख़ास पेविलियन या एक ख़ास इनकलोजर में है तो उसकी प्राइस आप ज़्यादा पे करते हैं एक दूसरा इनकलोजर है जिसमें और कोई फ़र्क नहीं है सिर्फ लोकेशन का फ़र्क है तो ये एक एरिया है इसी तरह से सीजनल डिफ्रेंसीशन होती हैं मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त जब पीक टाइम हो या पीक टाइम पे हम देखते हैं ये एडवर्टाइजिंग में भी देखेंगे कि पीक टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आप प्लेस करते हैं उनकी कॉस्ट और प्राइस ज़्यादा हो जाती है जो नॉर्मल टाइम में आप एडवर्टाइजमेंट प्लेस करें तो उसकी कॉस्ट गिर जाती है यही लॉजिक और एरियाज में भी है कि पीक टाइम्स के ऊपर पर्टिकुलरली इंटरनेशनल सिस्टम्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप पीक टाइम पे ट्रैवल करेंगे तो वहां आपको प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप लेस पीक टाइम पे पे कर क्या ना मैं ट्रेवल करेंगे एक दिन में तो उसकी आपको कीमत कम पड़ेगी ये तो वो एरियाज़ हैं uh, के, जब डिफ्रेंशिएटेड जब, प्राइसिस दी जाती हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट और द सेम लॉजिक लेकिन इसमें एक और क्या ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगाऊँ कि कोको कोला ट्राई टू फाइंड द लॉजिक ऑफ डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ के दिन में टेम्परेचर्स क्या होते हैं उन्होंने जो वाई फाई टेक्नोलॉजी है रिमोट कंट्रोल्स के बेसिस पे उनके जो वेंडिंग मशीनस होती हैं इंटरनेशनली उन्होंने ये कोशिश की थी और उसमें ये था कि अगर टम्परेचर एक खास लेवल से बाहर ज़्यादा होता है तो क्या नाम है उनकी को, कोला की प्राइस बढ़ जाएगी आ, इसके ऊपर बहुत सख्त रेजिस्टेंस हुई फ्रॉम क्या नाम है कंज्यूमर्स एंड दे हैड टू विदड्रॉ दिस टेक्नोलॉजी एज वेल एज दिस लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग विद इन अ डे यानी कि एक दिन में दे वर थिंकिंग ऑफ कि जो वेंडिंग मशीन होती हैं जिसमें आप कॉइन डालते हैं तो आपका जो क्या नाम है कोको कोला को, 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 का कैन है वो आ जाता है तो उसकी प्राइस वॉज बींग एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर्स दैट फॉर आउटसाइड लेकिन उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हुई बट दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिस कैन बी अप्लाइड लेकिन सोचने की चीज जो है कि ये इसकी कुछ कंडीशन हैं और वो हमें देखनी चाहिए आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑल्सो Uh, मिसाल के तौर पे क्वांटिटीज के बेस के ऊपर आप डिफ्रेंशिएटेड प्राइस दे देते हैं अगर बल्क में कोई ख़रीदता है तो उसकी प्राइस कुछ होगी अगर छोटे uh, क्या नाम है लॉट में ख़रीदता है तो उसकी कुछ होगी ये पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के अंदर uh, ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ आप रॉ मटेरियल्स बेच रहे हो लेकिन डिफ्रेंशिएटेड प्राइस चूँकि हैं क्वान्टिटी बेस के ऊपर तो वहाँ कंसिड्रेशन ये है कि ऐसा ना हो कि जो लो प्राइस चीज़ खरीद रहा है वो हाई प्राइस की जो सेगमेंट या लोकेशन या एरिया है उसमें वो चीज़ बेचना शुरू कर दे उसकी वजह से पूरी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है व्हेन यू प्लान टू डिफ्रेंशिएट द प्राइसेस विद इन द सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद इन द सेम टाइम फ्रेम्स जब आप ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इसके लिए बड़ा केयरफुल होना पड़ता है और मॉनिटरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर के कॉस्ट जो है मॉनिटरिंग की वो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा रेवेन्यू हाई प्राइस की बेसिस पे वो कॉस्ट कम हो रेवेन्यू ज्यादा हो तो लॉजिकल है और ये ना हो कि लो कॉस्ट जो लो प्राइस सेगमेंट है वो माल को ट्रांसफर कर दे टू हायर एंड इसमें माय ओन पर्सन एग्जांपल वुड बी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन वेन आई वॉज मार्केटिंग डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंपनीज एंड वी वार सेलिंग थ्रू नंबर ऑफ क्या नाम है होल सेलर्स बट होल सेलर्स को जो बेच रहे थे तो उसमें हमने क्वान्टिटी डिस्काउंट्स रखे हुए थे यानी कि लार्ज स्केल पर कोई माल उठाए तो उसके लिए प्राइस कम रखी गई थी और दूसरे एरिया में अगर या कोई भी और होल सेलर उठाएं तो उसके अंदर प्राइस जो है वो हमने ज़्यादा रखी हुई थी डिपेंड करता था बिकॉज ऑब्वियसली वैन यू आर पिकिंग अप अ लार्ज क्या नाम है लॉट तो उसमें कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन की और uh, उसके जो क्या नाम है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट गिर जाती है तो उसी के हवाले से आप ये बेनिफिट दे रहे हैं कंज्यूमर को बट अनफॉर्चुनेटली वॉट आई डिस्कवर्ड वॉज के वन ऑफ दी होल सेलर्स हु वॉज वेरी लार्ज वो दूसरे जो उसके कंपेटिटर्वस होलसेल कर रहे थे दूसरी मार्केट्स में बट जो इतनी कैपेसिटी में नहीं उठा सकते थे वो उनकी मार्केट्स के अंदर रिटेलर्स को उनकी कीमत से या उनकी कीमत के बराबर बेच रहा था बिकॉज ही हैड बल्क परचेजेस और उनके जो होल दूसरी मार्केट्स में बैठे हुए थे उनकी परचेज इतनी बड़ी नहीं थी तो उनके जो डिस्काउंट्स थे वो इतने ज्यादा भी नहीं थे बट दिस पर्सन कुड ईजिली सेल टू दी रिटेलर इन अनदर एरिया एट सेम प्राइस एज द होल सेलर वॉज गेटिंग फ्रॉम मी या फ्रॉम आर कंपनी दिस क्रिएटेड अ लॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज इट टेंडेड टू ब्रेक दैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो आ गया और उसके पीछे जो लॉजिक थी वो थी प्राइस की इसको मॉनिटर करने के लिए कि डिस्काउंट कितना होना चाहिए और डिस्काउंट आगे होलसेलर रिटेलर को कितना देगा ये वो चीज़ें हैं जिसकी जरूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है पर्टिकुलरली इफ यू हैव प्लान टू यूज डिफरेंशिएटेड प्राइसेस ओवर अ टाइम टू नॉट अलाउ अ लोअर प्राइस सेगमेंट टू ट्राई एंड डिस्टर्ब अ हायर प्राइस सेगमेंट तो ये चंद कंसिड्रेशन हैं वैन वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएटेड प्राइसेस अब वी नीड टू मूव टू लॉजिक ऑफ कि कब हम इनिशिएट करते हैं या कब हम और फिर रिएक्शन भी बात करेंगे लेकिन इनिशिएट कब करें प्राइस कट को और फिर हम देखते हैं कि इनिशिएट कब करें जब प्राइस इंक्रीज की जाए और वो कैसे की जाए इनिशिएटिंग द प्राइस कट से पहले लेट मी आल्सो सजेस्ट कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइसेस को तो उसमें एक चीज़ बहुत कैटेगोरिकल होती है बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्राइसिंग का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंट प्राइस चेंज कर रही हैं फ्रिकुन प्राइस चेंज का जो हवाला है वो क्या है कि आप uh, मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर या एक ही टाइम के ऊपर मुख्तलिफ़ मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस दे रहे हैं तो उसमें एक लॉजिक जो मुझे क्या नाम है आपको आई थिंक मस्ट बी कैप्टन माइंड के रेगुलर या रिपीटेड प्राइस चेंज कॉन्ट्रोडिक्ट लॉजिक ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग आपको याद होगा रिलेशनशिप मार्केटिंग में मैंने ये पॉइंट बताया था कि कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं ऑफ ट्रस्ट का और कमिटमेंट का वो कोर में है रिलेशनशिप मार्केटिंग के बट अगर आप वेरियस पॉइंट्स के ऊपर रिपीटेडली प्राइस चेंज कर रहे हैं टू मेक श्योर डेट द कस्टमर डज नॉट गेट सेंसिटिव टू अ प्राइस ये भी लॉजिक है आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान में भी आ, जो प्राइस हैं चाहे वो इसकी हो क्या कहते हैं ओगरा से प्राइस सेट होती है पेट्रोल की तो वो रेगुलर इंटरवल्स पे प्राइस चेंज होती है फ्यूल एडजस्टमेंट्स होती हैं तो उससे एक चीज़ ये हो जाती है कि एक कस्टमर जो है वो सेंसिटिव uh, नहीं रहता प्राइस चेंज के ऊपर और ये मैंने बताया था आपको कि जस्ट नोटिसिबल डिफरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंज्यूमर मार्केटिंग वे एनी चेंज चाहे वो प्राइस में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो अगर जस्ट नोटिसिबल डिफरेंस से ऊपर चला जाए तो वो रिएक्शन ट्रिगर करता है और कहा यह जाता है कि इनोवेशन जो है वो हमेशा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस से ऊपर होना चाहिए और जो प्राइस चेंज है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस से नीचे होनी चाहिए इसके लिए मार्केटिंग में रिसर्च मैंने आपसे कहा था प्राइस सेट करने के लिए सर्वे किए जाते हैं और कंज्यूमर से पूछ लिया जाता है कि वेन वुड दे रिएक्ट टू अ प्राइस वुड दे एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर प्राइस इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए जस्ट नोटिसबल डिफरेंस और यह याद रखते हुए प्राइस चेंज अगर ज़्यादा रिपीटेडली हो रही है तो उससे जो कस्टमर है उसके ट्रस्ट के ऊपर और उसके कमिटमेंट में इम्पैक्ट आएगा और प्राइस गिराने से भी ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर प्राइस गिराने पे बाइंग द प्रोडक्ट तो लॉयल्टी क्रिएट हो रही है दैट में नॉट बी थ्रू वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू दिस इनिशिएटिंग प्राइस कट्स बट इस वक्त मैं बात कर रहा था डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिंग की कंडीशन के अंदर जिसमें से एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि लो से हाई में ना जा सकें और दूसरा रिलेशनशिप मार्केटिंग इशू ना हो कहने का मतलब यह है कि अगर ब्रांड में और कस्टमर में कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रही या उसका ऑब्जेक्टिव ही ना हो कि कंपनी उसको लॉन्ग टर्म एसोसिएशन क्रिएट करे तो वहाँ प्राइस कट्स प्राइस इंक्रीजेस आर एक्सेप्टेबल दाइनल दैट बिफोर आई मूव द फाइनल इज़ कि जो प्राइस इंक्रीज है या प्राइस कट है दोनों तरफ वो लॉ बिकॉज लॉ में मोनोपली कंट्रोल्स के हवाले से और प्राइस गोजिंग के हवाले से एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है प्राइस गोजिंग का मतलब ये है कि मजबूरी में कस्टमर से ज़्यादा पैसे खींच लिए जाते हैं बिकॉज उसके पास कोई और चॉइस ना हो और दूसरी तरफ प्रीडेटरी प्राइसेस हैं जो इसके ऊपर ऑपोजिट जाती हैं कि वो प्राइसेस इतनी गिरा दी जाती हैं के कंपनीज जो हैं या जो कंपैटिटर है वो मार्केट से निकल जाए ये दो कंडीशन एक्सट्रीम्स के ऊपर जाती हैं एक हाई प्राइस जो कस्टमर से उसकी क्या नाम है ज़रूरत या उसकी रिक्वायरमेंट से या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्राइस चार्ज की जा रही हो और दूसरी तरफ प्रीडेटरी प्राइसिंग है जो लो ले कर चली जाती हैं प्राइसेस को कि कंपैटिटर जो है वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाए ये दोनों कंडीशंस लॉ में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं With the consumer rights, so this control controlled. prices are regularly shifted, and these three conditions are important while we are considering differentiated prices. Now, let's come to the point of when can we initiate uh, the uh, price cutting. One thing is clear, hai, and I will show you a simple. Uh, rather than showing, I'll just give you an example, and I think you should work it out for yourself. कि जब प्राइस इंक्रीज़ की जाती है आ, अगर और चीज़ें कांस्टेंट रहें यानी कि प्रोडक्ट की यूनिट जितने सेल हो रहे हैं वो भी उतने ही सेल हो रहे हों कॉस्ट भी चेंज ना करे तो हर प्रॉफिट मार्जिन जब आप इंक्रीज़ करेंगे अपना तो उससे प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जंप करते हैं मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन तीन परसेंट है और आप प्राइस चेंज करते हैं दस परसेंट से तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन थर्टी थ्री परसेंट से बढ़ जाएगा नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड यू कैन कैलकुलेट इट बाय लुकिंग एट दी नंबर्स के सिंपल सी बात है कि अगर आप प्राइस बढ़ाएं आपके यूनिट्स की सेल वही रहे कॉस्ट भी वही रहे तो प्रॉफिट जंप करेंगे तो लॉजिक में कई दफ़ा प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए लोग प्राइसेस uh, बढ़ाते हैं दूसरी तरफ प्राइस काटते हैं जब हमारा इंटरेस्ट ये हो कि मार्केट शेयर बढ़े और वहाँ जो लॉजिक है वो लॉजिक है ऑफ डिमांड जो मैं आपसे पहले भी बात कर चुका था इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड इंटेंसिटीज़ ऑफ डिमांड वो ट्रिगर करती हैं कि प्राइस गिराने से शेयर कितना बढ़ेगा लेकिन उसके पीछे चार कंडीशंस ऐसी हैं जो कि वी नीड टू रिमेंबर एंड वी शुड कीप इन माइंड के प्राइस गिराने से एक ये भी इशू आ सकता है परसेप्चुअली कि क्वालिटी ठीक नहीं है दिस हैज हैजपन्ड इट्स रिकग्नाइज ओवरऑल एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं परसेप्चुअली दूसरों के मुकाबले में प्राइस गिराने से ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि क्वालिटी गिर गई है दूसरी तरफ अगर मार्केट शेयर बढ़ भी जाए तो ये अजम्पशन ले लेना कि ये मार्केट शेयर जो बड़ा है ये कांस्टेंट बढ़ गया है दिस इज अगेन मिस नॉमर और अ मिथ नीड टू अंडरस्टैंड के लॉयल्टी ऐसे डिटर्मिन नहीं होती क्योंकि एनी अदर पर्सन और एनी अदर कंपनी अगर वो भी प्राइस गिरा दे तो वट विल है जो क्या नाम है कस्टमर्स हैं दे शिफ्ट टू न्यू क्या नाम है लो प्राइस प्रोडक्ट उसके अलावा अगर आप प्राइस अपनी गिराते हैं तो नेचुरली लॉजिक में मार्केट शेयर गेन करने के लिए यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन गिरे अगर प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो आपके पास जो सरप्लस या जो आपके पास बैकअप के ऊपर फंड्स चाहिए होते हैं कंपनी को रन करने के लिए या लो प्राइस को मेंटेन करने के लिए तो ये भी मुमकिन है कि जो कंपेटिटर है उसके पास फंड्स ज़्यादा हों और वो लो प्राइस को ज़्यादा देर सस्टेन कर सके तो बड़ा केयरफुल होना पड़ता है टू बी वेरी क्लियर एज टू दम्पैटिटर्स कॉस्ट फ्रेम Because अगर कंपॉटर के कॉस्ट का पता ना हो तो आप प्राइस गिरा दें तो लॉजिक में इट इज पॉसिबल कि वो आपसे भी नीचे ले जाए और ये जो मार्जिन इरोजन होगी वो कौन ज्यादा सस्टेन कर सकता है ये बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यह दो देर इज नो डाउट कि प्राइस गिराने से मार्केट शेयर की लॉजिक इंक्रीज पर्टिकुलरली इन अनडिफ्रेंशियटेड मार्केट है उसमें कोई शक नहीं है कि अनडिफ्रेंशियटेड प्रोडक्ट हो तो प्राइस गिराएं तो मार्केट शेयर बढ़ता है लेकिन फिर देखना पड़ता है कि क्या कंपेटिटर उससे ज्यादा गिरा के लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर लेगा वो प्राइस कट अगर ये हो जाए तो होना क्या है कि दोनों तरफ से प्राइस कटिंग अगर शुरू हो जाए तो ये प्राइस वॉर में तब्दील हो जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल रिसर्च प्राइस वॉर नेवर बेनिफिट द कंपनीज दे ऑलवेज बेनिफिट द कस्टमर बिकॉज द कस्टमर देन कैन गेट द लोएस्ट प्राइस फॉर द सेम बेनिफिट हाउ कंपनीज विल सफ़र बिकॉज जब पैसे रिड्यूस हो जाए सोर्सेज कम हो जाए तो सोर्सेज जो कि अप्लाई होने चाहिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग में प्रोडक्ट इनोवेशन में एडवर्टाइजिंग के अंदर डिफ्रेंशिएटिंग द प्रोडक्ट के अंदर वो लूज कर जाएगा दैट बिकम्स बैट अ नेगेटिव फ्रेम दो वी माइट बी एबल टू गेन मार्केट शेयर नाउ हैविंग सेट दैट लेट्स लुक एट द लॉजिक ऑफ प्राइस इनक्रीज ना मैंने आपसे कहा लॉजिक तो है कि प्रॉफिट इनकम बढ़ती है और आप इसलिए भी प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है अब इन्फ्लेशन होती है तो लॉजिकली और कुछ भी नहीं होगा कि जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी आपने प्राइस इंक्राज कर दी वो तकरीबन यू नो क्या नाम है पूरे सिस्टम में लॉजिकली स्प्रेड आउट होती है और वही रीज़न है इन्फ्लेशन का बट कीप इन माइंड कि इन्फ्लेशन भी दो किस्म की होती हैं एक है डिमांड बेस्ड कि डिमांड ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली पीपल विल पे मोर फॉर द सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्शन कम है सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी प्राइस बढ़ जाती है कई दफ़ा ऑन द अदर साइड जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन होती है जहां uh, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट्स में raw, हमारा जो रुपी डी है उसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज होगी तो वो किसी ना किसी को ट्रांसफ़र की जाती है जब ये वो ट्रांसफर होती है तो ये वो प्राइस इंक्रीजेस हैं जिसमें कोई इशू नहीं है इन्फ्लेशनरी है सो वी कैन हैव अ हायर प्राइस हाउएवर कई दफ़ा डिमांड को मेंटेन करने के लिए अभी हम प्राइसेज इंक्रीज कर देते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में और ये मैंने आपको बताया भी था कि डिफ्रेंशिएटेड प्राइसेस में कई दफ़ा पीक टाइम पीक टाइम वो है जबकि एक सिस्टम को या एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और कस्टमर ज़्यादा हो जाएं जिससे नुकसान हो कस्टमर्स किससेटिस्फेक्शन का तो उस वक्त प्राइसेस को इनक्रीज़ करके जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं जो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में दाखिल हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस किया जाता है उनको मार्केट से निकाल लिया जाता है सो दैट प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड ओवरऑल ऑन द सिस्टम ये प्राइस जो इंक्रीज़ है ये डिमांड मैनेजमेंट के लिए है तो इसका कोई इशू नहीं है प्राइसेस चेंज कैसे की जाती हैं मैं पहले वाले में भी बता दूँ कि प्राइस इन डिक्रीज कैसे की जाती है कि अगर आप प्राइस नंबर भी ना चेंज करें यानी कि लेट्स से पंद्रह सौ रुपए की कोई चीज़ है या एक सौ पचास रुपए की चीज़ है तो प्राइस आप वही रखें लेकिन उसमें क्वांटिटी बढ़ा दें तो ये भी प्राइस गिराने का एक तरीका है दैट्स खैर मैं नॉर्मल समटाइम्स कुपॉन्स दे दिए जाते हैं कूपन का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ खरीदी उस पर किसी ने कहा जो बेचने वाले हैं उसने कहा कि आपको दस रुपए का कूपन जो है वो रिटर्न होगा या दस रुपए का कूपन मिलेगा आप इस दस रुपए को किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना दीज आर वेज टू रिड्यूस द प्राइस विदाउट टचिंग द रुपी वैल्यू और द डॉलर वैल्यू गिवन उसको छेड़े बजाय आप कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे क्वांटिटी बढ़ जाती है कोई सैंपल ऐड हो जाता है कोई क्या नाम है स्मॉल पैक उसके साथ दे दिया जाता है फॉर टेस्ट परपजेज इन ऑल दीज कंडीशंस प्राइस गिर रही है लेकिन उसी तरह से प्राइस इंक्रीज करने का तरीका जो है वो ये है कि प्राइस वही रखें लेकिन क्वांटिटी गिरा दी जाती है कई दफ़ा पैकेजेस के अंदर क्वांटिटी गिराने से ना क्वालिटी पर इम्पैक्ट आता है और प्राइस को जो जो आपकी लॉजिकल प्राइस इंक्रीज़ है वो भी फिट करती है लेकिन उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी रूरल एरियाज़ में कि जहां पैकेजेस को चेंज किया जाता है फॉर द पर्पजेज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ़ द कस्टमर कि अगर वो छोटे पैकेट की ज़रूरत उसकी है आप उससे थोड़ा हायर भी चार्ज कर लेंगे तो ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो जाएगी लेकिन चूंकि उसकी करंट रिक्वायरमेंट्स उस किस्म की हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगी वो उसको हम उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती समटाइम्स डिलेड प्राइसिंग की जाती है ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में होता है जहां मैं एक uh, मशीन बेच रहा हूं या एक कंपनी कोई मशीन बेच रही है तो प्राइस उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक के प्रोडक्ट एक्चुअली ख़रीद ना लिया जाए गिवन दी रिक्वायरमेंट ऑफ़ दैट और उसमें बिडिंग वगैरह का जो मामला है वो यहाँ क्या नाम है लॉजिक में आता है आप आ, मिसाल के तौर पर अगर ऑप्शन हाउसेज में जाएँ तो वहां भी यही चीज़ होती है कि प्राइस पहले सेट नहीं की जाती एज दी ऑप्शन गोज़ द प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है एट अ गिवन एरिया दूसरा तरीका जो है वो मैंने आपसे कहा था कि आप उसमें कई दफ़ा प्रोडक्ट्स के अंदर एस्केलेटर क्लॉज लगा देते हैं ये जो प्रोडक्ट्स जो के जिनको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है जहाज़ों में मिसाल के तौर पे दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड एग्जांपल्स इन दी एयरलाइन इंडस्ट्री अगर बोइंग जहाज़ बेच रहा है या एयरबस बेच रही है तो उनको जहाज़ बनाने में पाँच से सात साल लग जाते हैं तो उसमें एक इनिशियल प्राइस रख ली जाती है लेकिन फिर एस्केलेटर क्लॉज लगा दी जाती है इसका मतलब है कि अगर वो कंडीशन ऐसी पैदा हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगी दिस इज़ सिंपल विच इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर उससे भी प्राइस इंक्रीज की जा सकती है इसी तरह से अनबंडलिंग द प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पर अगर आप एक बेस मॉडल किसी कार का खरीदें और उसमें अगर एयर कंडीशन ना लगवाएं तो लॉजिक में एयर कंडीशन की कॉस्ट आपने निकाल ली लेकिन प्राइस जो आपने सेट की वो ऐसी है कि जो अगर मैं पूरे को जैसे मैंने आपसे पी का एग्जाम्पल दिया था एक पूरे जहाज की सीट खरीदने का तो उसमें पता नहीं चलता कि किस चीज़ की क्या कीमत है लेकिन अगर आप बेस प्राइस एक सेट कर लेते हैं जिसमें आप प्राइस बढ़ा भी लेते हैं लेकिन उसमें से वो जो बेस प्राइस है वो जो फुली क्या नाम है कंप्लीमेंटेड प्रोडक्ट है उससे कम है लेकिन फिर उसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी प्राइसेस अलग लगा दें तो ये भी प्राइस इंक्रीज़ करने का एक तरीका और फीचर है इसी तरह से अगर आपने डिस्काउंट्स दिए हुए हैं और कई करते हैं डिस्काउंट देते हैं मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दी थी जी जनरल इलेक्ट्रिक के जो अप्लायंस डिवीजन था वो ये कर रहे थे उनके जो थे क्या नाम है कंपनी के सेल्समैन उनको अथॉरिटी थी कि वो डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते थे अब जब डिस्काउंट ऑफर करते थे तो कई दफ़ा कलेक्टिवली क्योंकि जो एक कंपनी 50-60 कंट्रीज़ में काम कर रही है और वहाँ हर सेल्समैन uh, जो है अपने तौर पे डिस्काउंट्स दे रहा हो तो उनके लिए क्यूमलेटिवली अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू पाँच अरब डॉलर जाना कोई नई बात नहीं है तो और वो सारी की सारी जो डिस्काउंट्स हैं वो प्राइस गिराना है और अगर आप उसमें से ये डिस्काउंट्स ख़त्म करना शुरू करते हैं तो लॉजिक में इनडायरेक्टली वट यू आर डूइंग इज़ यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस तो एक ये कंडीशन भी पैदा की जाती है कि आप डिस्काउंट्स या कूपन्स या वो एलिमिनेट uh, कर देते हैं यही चीज़ इनिशली uh, जब आप पेन्यूट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ भी एक ख़ास प्राइस रख ली जाती है और उसके ऊपर इनिशियल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं पहले जो सौ आएँगे उनको हम ये डिस्काउंट देंगे uh, तो वो उसके लिए uh, जो प्राइस है वो कम हो जाती है बट एज़ द टाइम पैसेज तो आप डिस्काउंट कम करना शुरू करते हैं विद अ लॉजिक तो यू आर एक्चुअली इंक्रीज द इफेक्टिव प्राइस अब ये इंक्रीजिंग ऑफ द इफेक्टिव प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये किया जाता है मोस्ट ऑफ़ दी क्या नाम है कंपनीज टेन टू यूज़ एनी वन ऑफ दिज वेरियस मेजर्स बात जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसी एरिया में पाकिस्तान में हालांकि ये चीज़ें दुनिया में हो रही हैं लेकिन पाकिस्तान में कोई रिसर्च इस वक्त नहीं हुई जो ये हमें बता सके मार्केटिंग के अंदर के ज़्यादा कौन से मेथड्स हैं जो के कंपनीज़ एम्प्लॉय करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और जिस वक्त वो कर रही होती हैं उस वक्त प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और कस्टमर या जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो क्या होती हैं नो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट ऑल्सो टेंस टू टेल आस हाउ थिंग्स Are within the context of marketing, consumer behavior, as well as ethics. Because the issue of ethics is considerable in terms of price setting. Because we always keep listening to hoarding and methods where people keep the products for a time and then increase the prices when the demand increases because of the short supply and then they benefit out of it, which is basically collusion of pricing going on. इसके ऊपर रिसर्च जो है वो अभी नहीं हुई एंड देयर फॉर वी नीड टू कैरी आउट सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च टू फाइंड एंड इम्प्रूव आर नॉलेज अबाउट द प्राइसिंग सिस्टम्स नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द लॉजिक ऑफ डिस्कसिंग द रेफरेंस प्राइसेस मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ रेफरेंस प्राइस का मतलब क्या है uh, ये कंज्यूमर बिहेवियर से ज़्यादा इसका लॉजिक है क्योंकि जब प्राइसेस हम कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने कहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ एरिया बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज़ दी लॉजिक ऑफ प्राइस चॉइस बाय द कस्टमर उसके पीछे क्या मुहरक है एंड हाउ डज इट और हाउ डज़ द कस्टमर ट्राई टू एस्टिमेट कि ये प्राइस मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है इसमें हमने कंपनी के हवाले से काफ़ी बात कर ली कब इनिशिएट करते हैं कब वो करते हैं तो वी शुड नॉट फोगेट के कस्टमर इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन दिस होल लॉजिक तो कस्टमर्स भी uh, क्या नाम है अपना एक जहन में एक पिक्चर रखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि दैट माइट बिकम द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेटिंग अ प्राइस बिकॉज अगर हमें पता हो कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को किस नज़र से देख रहा है और उसके जहन में क्या है तो देन इट बिकम्स मच ईजियर फॉर अस टू हैंडल आर प्राइस आइदर कट और इंक्रीज और इंट्रोडक्शन वडेवर सो वी नीड टू लुक एट इट इस चीज़ को हम रेफरेंस प्राइस बोलते हैं और इसमें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जे वी सी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कंपनी ऑफ जापान और अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ तो वेबसाइट के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स की जो प्राइस लिखी जाती हैं वो तकरीबन दो गुना यानी कि आई एम लेट्स से 100 परसेंट ज़्यादा होती हैं देन द सेम प्राइस विच मे बी अवेलेबल ऑन ई अगर आप ऑनलाइन वो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स ख़रीदें कैमरा ख़रीदें टेलीविजन uh, सेट हो जो भी है स्क्रीन हैं वेवर तो आप नोटिस करेंगे कि उन्होंने अपने जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर जो प्राइस सेट की हुई है उसमें और जो ई बे पे या जो ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज हैं उनके पास वही प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसमें तकरीबन आधा का फ़र्क है इन द सेंस इफ आई वॉज गिव यू एन एग्जाम्पल कि लेट्स से कैमरा दैट जे वी सी हैज ऑन वेबसाइट मे बी एट प्राइस एट अबाउट थ्री हंड्रेड डॉलर बट इफ वी गो टू ई फाइंड दट सेम प्रोडक्ट एट हंड्रेड एंड फोर्टी हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर्स ना जब उनसे ये बात पूछी गई कि वाई डू दे डू देट तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो यही था कि थ्री हंड्रेड जो है वो रेफरेंस प्राइस सेट हो जाती है कंजटमर के माइंड में और जब उसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ई बे से वो प्रोडक्ट मिलता है तो दे आर

जबकि वही प्रोडक्ट वही चीज़ एक ऑनलाइन क्या क्या नाम है सेलिंग कंपनी जो है आधी प्राइस पे बेच रही है ये आप मुख्तलिफ uh, जगहों पे जाएं और कभी ऑब्जर्व करें तो यू विल फाइंड दिस डिफरेंसेस। इवन इन पाकिस्तान यू माइट फाइंड अ प्राइस सेट एट अ वेरी हाई लेवल बाय बाई कंपनीज ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बट इफ़ यू गो एंड बाई द सेम एट लेट्स ए हाइपर स्टार और मेट्रोर्स एंड यू विल फाइंड द प्राइस डिफरेंट एंड मे बी लोअर दैन वट वॉज अवेलेबल उसके पीछे लॉजिक वही है कि रेफरेंस प्राइस सेट हो जाती है और फिर आसानी होती है किसी कस्टमर को खरीदने में अब ये कहाँ कहाँ से आ सकती हैं वी जस्ट क्विकली कवर अ फ्यू सो दैट वी आर वेल वोर्स विदेज ऑफ रेफरेंस प्राइस एक है फेयर प्राइस वो है कि कस्टमर खुद ये अज्यूम करता है कि इसकी कीमत क्या होगी बनाने की और इस पर कितना खर्चा या प्रॉफिट आना चाहिए जो कि बनाने वाला है या मैनुफैक्चर है वो उसके ऊपर हासिल कर सकता है तो आप देखेंगे नॉर्मली जो लेडीज़ के कपड़े हैं या बुटीक्स हैं या जो क्या नाम है प्री मेड जो कि बने बनाए कपड़े होते हैं उनमें ये लॉजिक लेडीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं कि उनके जहन में एक प्राइस पिक्चर बनी होती है कि ये बनाने में इसमें क्या ख़र्चा आएगा और इस पर कितना प्रॉफिट एक दुकानदार को हासिल कर लेना चाहिए सो वो उसको रेफरेंस करके अपनी खरीदारी करती हैं चंद प्रोडक्ट्स के अंदर ये एग्जांपल दे रहा हूं फिर एक है कि अ कस्टमर ट्राइज टू फील कि टिपिकल प्राइस क्या होगी इस चीज़ की एक ज़माने में एक प्रोग्राम आता था जहां मेरा ख्याल में नीलाम घर था या वन ऑफ देम कि वहां कस्टमर से पूछा जाता था कि आप बताएं इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी तो आप हैरान होंगे नॉर्मली 70 टू 80 परसेंट ऑफ द टाइम प्राइस का पता नहीं होता था व्हाई बिकॉज टिपिकल प्राइस जो एक कस्टमर के माइंड में है दे मे नॉट बी रियालिटी प्राइस सो वी नीड टू ट्राई एंड फाइंड आउट के वॉट इज दिस टिपिकल प्राइस थर्ड एरिया जो है वो है कि कस्टमर ने लास्ट टाइम किसी किस्म के प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस पे की वो रेफरेंस बन जाती है अनदर पॉसिबिलिटी इज़ कि जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमें नज़र आता है और ये कारों में ज़्यादा होता है कि लोगों को एस्टिमेट होता है और आप पेट्रोल स्टेशन पे भी देख सकते हैं या गैस स्टेशन पे कहीं खबर आ जाती है कि अगले दो तीन दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी है तो लोग भाग के तकरीबन पेट्रोल पंप्स को जैम कर देते हैं टू तो गेट द पेट्रोल एट ए चीपर रेट ये भी एक लॉजिकल है कि एंटिसिपेटेड प्राइसेस जो होती है या जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड प्राइसेस होती है फ्यूचर प्राइस जो सेट होने वाली होती है दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर्टिकुलरली इन कार्स मिसाल के तौर पर समी वो बाई अ और उसको ये शक हो कि नया मॉडल लॉन्च होने वाला है दिसंबर में और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो दी आ, दी बेसिक प्राइस बढ़ी हुई प्राइस जो है ना वो रेफरेंस में आ जाती है इसी तरह से आप देखेंगे कि कंपेटिटर की जो प्राइस है कम्पटिटर प्रोडक्ट की वो एक कंसिडरेशन बन जाती है इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस दैट वी कैन थिंक ऑफ नाउ ब्रॉडली मकसद क्या था इस पूरे डिस्कशन का रेफरेंस की जब तक हमें पता ना हो कि कम्पैट सॉरी कस्टमर कैसे वैल्यू कर रहा है उस सिमिलर प्रोडक्ट को और उसके जहन में क्या है तो हमारे लिए ये डिसाइड करना कि प्राइस ऊपर होगी या नीचे जाएगी ये ज़रा मुश्किल हो जाता है और इसी में कम्पटिटर की जो लॉजिक है वो स्ट्रॉगली क्या नाम है इन्फ्लुंस करती है हमारे इस पूरे सिस्टम को इन दी एंड आई वस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट एन एच बी और हाउड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल है uh, जिसके अंदर प्राइसिंग के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं उस पूरे आर्टिकल को कवर करूं अगर मुझे मौका मिला तो आई विल यूज़ दिस गुड आर्टिकल टू एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट द ऑथर सजेस्ट्स इज अ मेथड टू प्राइस योरसेल्फ एंड ट्राई एंड सी हाउ इनोवेशन शुड बिकम पार्ट ऑफ द लॉजिक ऑफ़ प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिस्क्रीज एंड हाउ वुड यू कंप्लीट अरोंग दिस करम है लॉजिकल एरिया तो वो मैं uh, कोशिश करूँगा uh, कि उस आर्टिकल को थरली डिस्कस किया जाए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किन एरियाज़ में रिसर्च की पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसको पढ़ा कैसे जा सकता है सो आई वुल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर स्टेज सो टूडे वी आर कम्प्लीटिंग दी डिस्कशन ऑन प्राइस दी नेक्स्ट क्लासेज विल कवर दी लॉजिक ऑफ इंटरग्रेटेड कम्युनिकेशन विच मीन्स एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशन बिकॉज दैट इज़ द फाइनल पी इन आर सिस्टम and that will help us bring the whole thing together in the end when we are concluding our uh, course. Now, keeping this in mind, today what we have done is we have actually discussed uh, issues and cases of practical nature which were linked with the theoretical things that we had thought about and we had been able to build upon. We looked at initiating of prices, cutting, price change, differentiated prices, और उसके बाद रेफरेंस प्राइस जो एक कस्टमर के जहन में होती है है इज शुड बी नोन टू सेलर वो क्या तरीका है और उसमें रिसर्च करना कितना लाजिम है ये चीजों को मद्देनजर रखते वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस कोर्स एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल पिक अप द पिकअपोशनल एरिया ऑफ द फोर पीस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज